आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कोई पसंद करता है, मतलब ओ हो बहुत प्यारा इंसान है यार तू, या फिर कितनी सुनहरी, ओ हो। पर जब बात आती है उस प्यारे इंसान से प्यार करने की, यू आर रियली नाइस, बट यू आर वेरी नाइस, यू आर वे टू नाइस, तो क्या मैं दरिंदा बन जाऊं? हाँ, क्या करूं मैं? नो, ऐसे ऐसे होते हैं लोग सच में। यार सो नाइस यार, बट यू आर टू मच नाइस। अबे कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज मत करो, है ना? पर ऐसा होता है तो क्या किया जाए, फिलहाल तो बयां किया जाए। दास्तां मेरे इश्क की कुछ ऐसी रही, दास्तां मेरे इश्क की कुछ ऐसी रही, हम अच्छे तो सबको लगे मगर प्यार किसी को नहीं हुआ। हम अच्छे तो सबको लगे पर बस प्यार किसी को नहीं हुआ, दास्तां मेरे इश्क की कुछ ऐसी रही। अब यहाँ पे क्या है पता है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं और मानते भी हैं, रिसीविंग एंड वाले, हाँ दी ऑपोजिट पर्सन, कि उनको ना थोड़ा सा अनअवेलेबल पर्सन, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। और ये दुनिया का नियम है कि जहाँ पे थोड़ी सी कमी हो ना, थोड़ी सी, तो उसको पाने के लिए ना लोग भागते हैं, पर जैसे ही उनको सब कुछ मिल गया कि ओ हो, तो कोई कद्र नहीं करता। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका जो भी ओरिजिन है उसको भुला दो, या फिर अगर आप प्यार के धनाढ्य हैं तो रंक बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट समटाइम्स यू नीड टू कंट्रोल फ्यू थिंग्स सो दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स द वैल्यू, बस इतना। थोड़ा सा अपने आप को एक वॉइड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम ही यही है कि हम सब कुछ दे देते हैं, इतना वक्त उनको दे देते हैं, एकदम अवेलेबल, तो कोई कदर ही नहीं करता है। पर जैसे ही गायब हो जाओगे, अरे तुम तो बदल गए, पर बहन जब थे तो तुमने कदर नहीं की। तो थोड़ा सा कम वक्त दो, और वही वक्त अपने लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप इतना अपने आप को वक्त नहीं देते हो जितना देना चाहिए। तो आज से शुरू करो, है ना? एंड नॉट टू टेक द रिवेंज, जस्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद योरसेल्फ, क्योंकि आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है। एंड यू ऑल्सो नो कि यू आर बींग वे टू नाइस टू अदर्स बट नॉट टू योरसेल्फ। थिंक अबाउट दिस। अब है ना, एक ऐसी अजीब बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जिससे हम सब गुजरे हैं, पर एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि अभी ये क्या है। हाँ, और वो तब ज़्यादा होता है जब हमारे साथ वही चीज़ होती है। जब तक हम वो चीज़ कर रहे हैं तब सब कुछ जस्टिफाइड, पर जब वही चीज़ हमारे साथ होती है तो ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, ये मैंने पूरा मंच बांध दिया, अब इस बात को सुनिए और बताइए ये सही है या नहीं, है ना? नींद आती नहीं तुझे देखे बिना मेरी जान, नींद आती नहीं तुझे देखे बिना, और तुम सो जाती हो मुझे याद किए बिना। हाँ, तुम सो जाती हो मुझे याद किए बिना, यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ तुझे देखे बिना, नींद नहीं आती। क्योंकि पता है क्या, जब तेरा मैसेज आता है, तेरा कॉल आता है, स्टोरी पे तेरा व्यू आता है, या फिर ऐसे ही तूने याद कर लिया, या फिर अच्छे से बात कर ली, मेरा अधूरा दिन पूरा हो गया। पर जब तू बात नहीं करती है ना, या फिर कुछ भी नहीं आता है तेरे तेरी तरफ से, तो ऐसा लगता है कि यार आज दिन पूरा हो गया पर मैं अधूरा रह गया। तो बात किया कर, और उसके सामने उस जख्म पे नमक तब पड़ जाता है, खराश तब आ जाती है जब तू बात किए बिना सो जाती है, एकदम खसखसाट, ओ हो, जन्नत की नींद, कोड़ा पेच के, अरे बात कर ले। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे साथ होता है, ऐसा मत कर। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, जो कहीं ना कहीं हम सब कर चुके हैं, है ना? पर सामने जब वही चीज़ हमारे साथ होती है, मतलब हमें बहुत नींद आ रही है पर सामने कोई क्लिंगी बन रहा है, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, दिस इज लिटिल बिट क्लिंगी, है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि तो क्या मैं सोऊं भी ना, क्या हमेशा हेलो, हाँ अरे नींद आ रही है, सोना है, बोलो होता है कि नहीं, है ना? तो ये रियलाइजेशन वाला लम्हा है, ठीक है? तो अब बस करो, बहुत हुआ, ठीक है, वी नीड अटेंशन, पर एट द सेम टाइम इतना भी ज्यादा मत पागल बनो यार, बस करो, बहुत हुआ, बहुत हुआ। और ये पता है कब ज्यादा होता है? जब आप
खुद पे ध्यान नहीं देते हो, या फिर खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर प्रायोरिटीज़ है उस पे ज़रा भी ध्यान नहीं जाता, बस मुझे उस इंसान का अटेंशन चाहिए, वाह वाह रोमांटिक पोएटिक टच। उसके बाद घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा बाबू? हाँ कोई नहीं है। आगे जाके जब प्यार तो होगा पर पैसे नहीं होंगे ना, या फिर काम नहीं होगा ना, तो प्यार भाग जाएगा, क्योंकि प्यार का काम ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। पर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ना प्यार के साथ साथ पैसे भी चाहिए, और ये मैं बारी बारी कहीं ना कहीं ऐसे ही सुमड़ी में कहता रहूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। आज नहीं तो कल जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी आपको यही सिखाएगी। सो या वी नीड दैट अटेंशन एंड इट्स ओके, बट डोंट बिकम दैट अटेंशन। या सो टेक दिस एज लर्निंग लाइक अलार्मिंग थिंग एंड मूव ऑन। आखिर में एक ऐसी बात कि जिसमें एक होप है, और जब होप है तो जिंदगी बड़ी डोप है, वरना जब होप नहीं होती ना तो जिंदगी स्लोप है। अब स्लोप कैसा होता है? जब आप जा रहे होते हो ना तो सुहाना, पर जब ऊपर आना होता है तो ओहो दुखाना। अरे दुखाना ना बहुत भंगार मखाना है, मैं क्या ही वर्ड प्ले कर रहा हूँ, समझ रहे हो? सो ऐसा होता है जिंदगी में कि जब हमारे फेवर में कुछ नहीं चलता ना तो सब बुरा लगता है। तो इसलिए जब जब ऐसा लगे कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो इन बातों को थोड़ा सा गौर फरमा के सुन लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिए, सही वक्त आ रहा है। पर तब तक के लिए अपने आप को सही बनाते रहिए। उतार चढ़ाव का ही तो है नाम जिंदगी, उतार चढ़ाव का ही तो नाम है जिंदगी। अगर सब जगह खुशियां ही खुशियां होती तो कौन करेगा उस खुदा की बंदगी? अगर हर जगह खुशियां ही खुशियां होगी तो कौन करेगा उस खुदा की बंदगी? बस याद रखो ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस याद रखो ये वक्त भी गुजर जाएगा, आने वाले पल को तो आना ही है, वो अच्छा ही है, वो जरूर से आएगा। आने वाले पल को आना ही है तो वो जरूर से आएगा। तो उतार चढ़ाव का तो नाम है जिंदगी, अगर सब जगह खुशियां ही खुशियां होती तो कौन करेगा उस खुदा की बंदगी? तो इसी बात को याद रखो मेरी जान, और इस लम्हे को गुजार लो मेरी जान, बस इस लम्हे को संभाल लिया, आगे अपने आप सब ठीक होता जाएगा। बस यही होता है ना, ये मैंने ज़िंदगी के तजुर्बे से सीखा है कि हम हमेशा या तो पास्ट की सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं, यार ऐसा कैसे हो गया, फिर ऐसा होगा तो कैसा होगा। पर अगर आप उस प्रेजेंट वाले लम्हे में अपने आप को संभालो ना तो आने वाले वक्त को बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हो। सोचना इसके बारे में कि ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी के जितने भी कचरे वाले मोमेंट्स हुए हैं वो तभी हुए हैं जब आपने अपने इस वक्त को गंदा रखा है, या फिर बस उसको कुरेंते गए हैं। पर उस वक्त को अगर संभाल लिया ना तो बाकी सब माफ़ी है, क्योंकि यही वक्त काफ़ी है। तो सोचो इसके बारे में कि आपको फ्यूचर को ठीक करना है, पास्ट को ठीक करना है, या फिर प्रेजेंट को ठीक रखना है। सोचना इसके बारे में और बताना मुझे कि आपके दिल ने क्या कहा। ठीक है ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आज का ये अलग तरह का सफ़र आपको पसंद आया होगा, हैशटैग रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।